वेलकम बैक डियर्स, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ योर विद यूट्यूब चैनल बायो के मेडिक सर। वंस अगेन वेलकम ऑन माई दिस वीडियो दैट इज़ अ सब्सटिट्यूशन रिएक्शन दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। वी आर डीलिंग विद एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन चैप्टर एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन दैट इज़ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखना है और वो भी बाय यूजिंग द एग्जांपल ऑफ हैलोजनेशन। डियर गाइस, आप लोगों ने हैलोजनेशन का नाम तो बहुत बार सुना होगा। हैलोजनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी रिएक्शन है। हैलोजनेशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ हैलोजन। देखिए यहाँ पर हैलोजन को हम लोग Cl2 के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ओके गाइस, तो देखिए पहली बात तो एक बार मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा रिएक्शन एक ही कंटेनर के अंदर हो रहा है और इतना सारा जो प्रोडक्ट है वो एक ही कंटेनर में मिलते जा रहा है। ठीक है गाइस, तो जरा देखिए एक बात सुनिए। CH4 तो गैस होता है, Cl2 भी गैस होता है और ये जो रिएक्शन हो रहा है HNU के प्रेजेंस में हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय HNU? दिस इज सनलाइट और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन गाइस। ठीक है, तो एक बात सुनो, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा और यहाँ से एक Cl कम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl, और जो कम हुआ वो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। ओके, तो पहले स्टेप में ये रिएक्शन हो गया। मगर देखिए ये रिएक्शन कब तक स्टॉप नहीं होगा? ये रिएक्शन तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक एक भी हाइड्रोजन इसके पास बचा हुआ है। टिल देन इट विल प्रोसीड डेफिनेटली। सो गाइस, नाउ लेट्स सी फर्दर। अब क्या होगा कि ये जो पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो ये पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट हुआ क्लोरोमीथेन, दैट क्लोरोमीथेन वंस अगेन कम बैक ऑन द सेकेंड स्टेप एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड वंस अगेन कंबाइन विद Cl2। देन इन दिस वे वंस अगेन वन हाइड्रोजन गेट रिप्लेस बाय द Cl एंड यू विल गेट डाइक्लोरोमीथेन। यानी कि जो हाइड्रोजन है यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर से कम हो जाएगा और एक Cl बढ़ जाएगा, यानी कि एक Cl आकर हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। वंस अगेन HCl बाहर निकल जाएगा। टिल देन ऑल्सो वंस अगेन इट विल प्रोसीड फर्दर। फिर से ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद क्या होगा कि फिर से जो आपको जो सेकेंड स्टेप में जो प्रोडक्ट मिला है वो थर्ड स्टेप का रिएक्टेंट बन जाएगा। फिर से Cl2 आएगा, एक फिर से हाइड्रोजन को कम करेगा और बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन दैट इज़ एनेस्थेटिक एजेंट। फिर से एक HCl निकल जाएगा गाइस। और आगे देखिए फिर से एक बार लास्ट में एक बार और रिएक्शन होगा। अब ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है या ट्राइक्लोरोमीथेन है इसके साथ जब Cl2 का एडिशन होगा तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बना देगा। इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इन द IPCC नॉमेनक्लेचर, और HCl बाहर निकल जाएगा गाइस। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सीखा कि ये जो रिएक्शन है ये एक चेन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय चेन मैकेनिज्म? दिस रिएक्शन भी प्रोसीड अंटिल ऑल द हाइड्रोजन गेट रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन। सो गाइस, आप आई होप सो आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। ये रिएक्शन जो है कंटिन्यूसली होते रहता है। अब देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर मुझे मेरा वांटेड प्रोडक्ट चाहिए, इफ़ आई वांट टू गेट ओनली माई वॉन्टेड प्रोडक्ट दैट इज़ ये क्लोरोमीथेन, देन आई कान गेट इट। वाई? बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स एंड ऑल द रिएक्टेंट्स आर इन द गैशियस स्टेट एंड दिस आर इन द सेम कंटेनर एंड इफ दे आर गेटिंग इंटरमिक्स विद ईच अदर, अगर ये सबको सब मिक्स हो जाएंगे तो हाउ कैन आई सेपरेट ओनली वन ऑफ देम? सो इट इज़ नॉट सुटेबल मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड गाइस। ओके गाइस, इस तरीके से पहला हम लोगों ने पढ़ लिया है केमिकल प्रॉपर्टी, पहला रिएक्शन पढ़ लिया है। देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इथेन का रिएक्शन Cl2 के साथ दिया हुआ है। ठीक है गाइस, हमको एक ही रिएक्शन करना है, एक ही रिएक्शन सफिशिएंट है। ओके, तो चलिए एक और यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी देखा था क्लोरीनेशन को, अब हम लोग देखते हैं आयोडीनेशन का रिएक्शन। देखिए CH4 के साथ जब आयोडीन का रिएक्शन होगा तो हमको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3I+HI। बट गाइस, आप लोग को ये बात समझ में आना चाहिए कि HI जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण क्या होगा कि वापस ये इसी के साथ कंबाइन हो जाएगा और रिएक्शन को बैकवर्ड प्रोसीड कर देगा। यानी कि हम लोगों ने जहाँ से शुरू किया था CH4+I2 से, हम वहीं पर पहुँच जाएंगे, तो इस रिएक्शन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नाइट्रिक एसिड का भी यूज़ होता है, नहीं तो कभी कभी HIO3 का भी यूज़ होता है। दिस इज हाइड्रोआयोडिक एसिड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HIO3 एंड और HNO3, जब इसका यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा कि HI को फॉर्म होने से रोक देता है, वो HI को फॉर्म नहीं होने देता, वो उसके बदले H2O बना देता है। H2O के बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगा HI के बनने से गाइस। तो गाइस आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, हैलोजनेशन इज सपोज टू प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल
कंटिन्यूसली होते रहता है. कंटिन्यूसली होने के कारण हम उसको फ्री रेडिकल कहते हैं मैकेनिज्म में. इट इन्वॉल्विंग 3 स्टेप, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन. 3 स्टेप में होता है ये गाइस, ठीक है. तो आपको 11th लेवल पे हालांकि इसको पढ़ना तो नहीं है, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये कैसे होता है. ज़रा देखिए इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होगा कि जो Cl2 मॉलिक्यूल है वो HNU यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में होमोलिसिस शो करेगा. होमोलिसिस कहने का मतलब है कि ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा. दिस इज द सिंबल ऑफ होमोलिसिस. इट मींस एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों एटम की ओर, तब हम उसको होमोलिसिस कहते हैं. इस तरीके से 2 फ्री रेडिकल मिल जाएंगे. दिस इज द इनिशिएशन वन. आप प्रोपोगेशन में देखेंगे तो क्या होगा, प्रोपोगेशन में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वही CH4 के साथ रिएक्ट होगा और बन जाएगा मिथिल फ्री रेडिकल प्लस HCl बाहर निकल जाएगा. अब देखिए ये जो डॉट वाला जो सिंबल दिख रहा है इसको फ्री रेडिकल पावर बोलते हैं. ये फ्री रेडिकल पावर जब तक रहेगा तब तक ये प्रोसेस होते ही रहेगा. कंटिन्यूस वो रिएक्शन स्टार्ट रहेगी, वो स्टॉप नहीं हो पाएगी, ठीक है. आगे देखिए, आगे क्या होगा, देखिए फिर से ये वाला जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये किसी दूसरे Cl2 के साथ कंबाइन होगा और ये बना देगा मिथाइल क्लोराइड और फिर से ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बाहर निकल जाएगा. देखिए क्लोरीन फ्री रेडिकल आया था और क्लोरीन फ्री रेडिकल बाहर निकल गया, ठीक है गाइस. तो देखिए अगर कहीं किसी रिएक्शन में ऐसा आपको दिखाई देता है कि एक चीज़ पहले स्टेप के रिएक्टेंट में बन रही है और दूसरे स्टेप के प्रोडक्ट में बाहर निकल रही है, ये वाला फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं. अगर पहले स्टेप के रिएक्टेंट में वो आ रहा है और दूसरे स्टेप के फाइनल प्रोडक्ट में बाहर जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई सिंपल कंपाउंड नहीं है. हम इसको कहेंगे इंटरमीडिएट. क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट. ये अपने आप बनता है और ये अपने आप ही ख़त्म हो जाता है गाइस, ठीक है. अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द क्लोरीन एंड मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट अबाउ रिपीट स्टेप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड देयर बाय सेट अप द चेन ऑफ रिएक्शन. यानी कि ये कंटिन्यूसली स्टेप 1 और स्टेप 2 कंटिन्यूसली आते रहेगा. यानी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल बाहर जाएगा और कंटिन्यूसली प्रोडक्ट बनाते जाएगा. एंड द प्रोपोगेशन स्टेप ए एंड बी आर दोज विच डायरेक्टली गिव प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स बट मैनी अदर प्रोपोगेशन स्टेप्स आर पॉसिबल. यानी कि कंटिन्यूसली वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते जाएगा एक ही कंटेनर में वो बनाते जाएगा, ठीक है गाइस. समझ में आ गया आप लोगों को. अब देखिए इस तरफ हम लोग देखते हैं उसका टर्मिनेशन स्टेप जो कि लास्ट में. अच्छा उसके बाद एक और दिया हुआ है, जरा ये भी देख लेते हैं. ये भी जो है प्रोपोगेशन का ही पार्ट है. प्रोपोगेशन में ये मिथाइल क्लोराइड आया, फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल आया. अब देखिए ध्यान से, अब क्या हो रहा है, फिर से यहाँ से एक H इसको मिल गया, HCl बन गया और ये जो डॉट वाला जो पावर है वो इस कार्बन को चला गया. अब इस डॉट जहाँ पर रहेगा वहीं पे कंटिन्यूसली एडिशन होते जाएगा. फिर से एक Cl2 आया, वो टूट जाएगा और क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा और ये जो डॉट वाला पावर है वो इस Cl को मिल जाएगा. इस तरीके से प्रोसेस होती रहेगी गाइस. ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा प्रोसेस आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछता है. फिर भी क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइस. आपको तो सिर्फ वो वाला ऊपर का रिएक्शन लिखना था, मैकेनिज्म के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है. ओके गाइस चलो देखते हैं. लास्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज द टर्मिनेशन. टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में वही होगा जिसके कारण वो रिएक्शन रुक जाए. तो देखिए गाइस रोकने के तो बहुत से तरीके हैं. जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, वॉट एवर मे बी द टाइप ऑफ फ्री रेडिकल, उन सबको एक दूसरे के साथ कोलाइड कर दो. देखो Cl को Cl के साथ कोलाइड कर दिया तो Cl2 बन गया. CH3 रेडिकल को मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन कर दिया तो ये बन गया. इनको कंबाइन कर दिया तो ये बन गया. जहाँ पर ये डॉट ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर ये रिएक्शन रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा गाइस. आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए पहला जो हम लोगों ने जब पढ़ा है हैलोजनेशन, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अच्छा एक और क्वेश्चन है कि इसको हम सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं भाई. सिंपल सी बात है, एक हैलोजन आता है और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, बाहर निकाल देता है. तो ऑब्वियसली वो बाहर निकालेगा तो हम उसको रिप्लेस्ड या सब्स्टिट्यूट ही कहेंगे, ठीक है गाइस. तो इस तरीके से हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ लिया. अच्छा अब केमिकल प्रॉपर्टी में दूसरा प्रोसेस है कंबशन, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ लाइक. मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और कम से कम एक शेयर तो बनता ही है. सो गाइज प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंस अगेन एंड आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप लोग को ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड वंस अगेन थैंक यू.
थैंक यू वेरी मच।